द सोलो रेडिडल एंड द मेयरमेंट ऑफ प्रोडक्टविटी शॉक सो डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्टिविटी शॉक्स मेजर सोर्स है फ्लक्चुएशंस का तो आर बी सी जो इकॉनमिस्ट हैं वो उसको कैसे मैयर करते हैं वो इसको यूजली सोलो रेडिडअल से मैयर करते हैं हमने जब ग्रोथ थ्योरीज पढ़ी थी तो वहाँ भी हमने ये डिस्कस किया था फ़ेमस मॉडल है सोलो ग्रोथ मॉडल तो उसके नाम पर ये सोलो रेजिडल है तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन फंक्शन कापडोगलस प्रोडक्शन फंक्शन यूज़ करेंगे ओके और वाई वाई मीन्स आउटपुट और कैपिटल स्टॉक और लेबर की वैल्यूज यूज़ करके ये ये फार्मूला है अगर आप रिकॉल करें कापडोगलस प्रोडक्शन फंक्शन है बेसिकली हम यूज़ करें सो so, वो क्या था y is equal to a time okay k raised to power alpha and n raised to power 1 minus alpha so is is production function se a ki value aap le rahe hain so a is called the solo residual solo residual is isliye kehte hain ki baki cheeze to directly hum capital stock ko hum measure कर लेते हैं output को measure कर लेते हैं इसी तरह लेबर को measure कर लेते हैं लेकिन a की value हम डायरेक्टली इसको मैर नहीं कर सकते तो इसको हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं रेडिडल से कैलकुलेट करते हैं सो दिस इज़ कॉल्ड द सोलो रेजिडल ओके सो सोलो इज स्ट्रांगली प्रोसिक्लिकल इन यूएस डेटा इस तरह से जब सोलो रेडिडल कैलकुलेट की गई तो ये वैल्यू जो है ये यू एस इकोनमी में ये स्ट्रांगली पारोसिक्लिकल है और आर बी सी थ्योरी भी यही कहती है कि जो फ्लक्चुएशंस आती हैं यह प्रोडक्टिविटी शॉक की वजह से आती हैं सो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द आर बी सी थ्योरी ओके बट क्वेश्चन ये है शुड द सोलो रेलिजिल बी इंटरप्रेटेड एज द मेयर ऑफ टेक्नोलॉजी कि ये जो हम ए कैलकुलेट कर रहे हैं लास्ट स्लाइड में आपको देखा है तो क्या हम इस ए की वैल्यू को इंटरप्रेट कर सकते हैं एज अ मेयर ऑफ़ टेक्नोलॉजी ये बात इफ़ इफ़ इट इज अ मेयर ऑफ़ टेक्नोलॉजी इट शुड नाट बी रिलेटेड टू फैक्टर्स दैट डॉन्ट डायरेक्टली अफेक्ट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस लाइक गवरमेंट परचेज और मोनिट्री पॉलिसी सो अगर ये उसको रिप्रजेंट कर रही है एक्ोरेटली टेक्नोलॉजी को तो फिर वो वो चेंजेस जैसे गवरमेंट पेंडिंग में परचेज में चेंजेज आती हैं या मोनिट्री पॉलिसी में चेंज आती है तो ये चेंज तो ज़ाहर है टेक्नोलॉजी को अफेक्ट नहीं करती डायरेक्टली तो ये फिर सोलो रेजिडअल की वैल्यू इन चेंजेस के साथ लिंक नहीं होनी चाहिए कोरलेट नहीं करनी चाहिए लेकिन स्टेटिस्टिकली जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हम इन में एक रिलेशनशिप कोरलेशन हम इसमें फाइंड करते हैं इसका मतलब ये है कि सोलो रेजिडल की वैल्यू जो चेंज हो रही है ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी शॉक की वजह से चेंज नहीं हो रही और भी फैक्टर्स हैं जो इसको चेंज करने का सबब बन रहे हैं सो so, इसको देखने के लिए मेयर प्रोडक्टिविटी कैन वेरी इवन इफ द एक्चुअल टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज कि ए की जो वैल्यू जिसको हम यूज़ uh, कर रहे हैं एज द मेयर ऑफ प्रोडक्टिविटी सो इट कैन इवन वेरी इफ़ द एक्चुअल टेक्नोलॉजी इज़ नॉट चेंजिंग कैसे इसको समझने के लिए वो ये कहते हैं कि कैपिटल एंड लेबर आर यूज मोर इंटेंसिवली एट टाइम्स कि जस्ट हम तो उस प्रोडक्शन फंक्शन में के और एन की वैल्यूज ले रहे थे ना के क्या था कैपिटल स्टॉक और एन क्या था लेबर तो वो कहते हैं कि कैपिटल स्टॉक वही रहता है लेबर वही रहता है लेकिन सम टाइम्स वो मोर इंटेंसिवली यूज़ हो रहे होते हैं सम अदर टाइम्स वो रिलेटिवली लेस इंटेंसिवली यूज हो रहे हैं तो दिस विल ऑबियसली अफेक्ट द आउटपुट सो मोर इंटेंसिव यूज ऑफ इनपुट्स लीड टू हायर आउटपुट एंड सिमिलरली लेस इंटेंसिव विल ल का लोअर आउटपुट सो वो फिर इस बात को देखने के लिए तो क्या करते हैं दे डिफाइन द यूटिलाइजेशन रेट ऑफ कैपिटल यू के इज द यूटिलाइजेशन रेट ऑफ कैपिटल एंड सिमिलरली यू एन इज द यूटिलाइजेशन रेट ऑफ लेबर सो डिफाइन कैपिटल अब यू के क्या था यूटिलाइजेशन रेट ऑफ कैपिटल एंड के इज द स्टॉक ऑफ कैपिटल सो यूटिलाइजेशन रेट को जब स्टॉक ऑफ कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको वो कह रहे हैं कि दिज आर कैपिटल सर्विसेज यानी इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक नाउ दे आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल सर्विसेज सिमिलरली यू एन मल्टीप्लाइड बाई एन इज लेबर सर्विसेज सो प्रोडक्शन फंक्शन में अब हम K और N पहले तो आपको याद होगा कि यहाँ जस्ट हम K यूज करते थे और N अब K की बजाय यानी कैपिटल स्टॉक की बजाय सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कैपिटल उसको यूज कर रहे हैं और सिमिलरली लेबर सर्विसेज को यूज कर रहे हैं और इसे एक ऑपडोगस प्रोडक्शन फंक्शन में पुट करेंगे तो ये रेस्ट रोपार ए एन दिस इज रेस्ट रुपार वन माइनस ए सो अब जो कन्वेंशनली हम सोलो रेडिड्यूल कैलकुलेट करते थे जो हमने आपको फार्मूला दिखाया था वो क्या करते थे कि इसको आप डिवाइड करते थे आउटपुट को ये दिस इज निटर में क्या है दिस इज वाई ठीक है इसको हम डिवाइड करते थे कैपिटल स्टॉक की वैल्यू से और लेबर की वैल्यू से और उनकी रेस्ट ए एंड वन माइनस से तो जब इसे डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर अब जस्ट ए नहीं आ रहा है इसका आंसर ये भी आ रहा है ठीक है यानी यूटिलाइजेशन रेट ऑफ कैपिटल एंड यूटिलाइजेशन रेट ऑफ लेबर भी इसमें अब आ रहा है सो so,

कि जब बूम और तेजी आती है इकोनोमी में तो कैपिटल स्टॉक वही रहता है और अब वो ज़्यादा ज़्यादा इंटेंसिवली यूज़ हो रहा है ठीक है डबल शिफ्ट पे और ज़्यादा उन्हीं मशीनों से ज़्यादा काम लिया जा रहा है और इसी तरह वर्कर जो हैं वो भी ज़्यादा काम कर रहे हैं सो यूटिलाइजेशन इज़ प्रोसिक्लिकल और इसी तरह जब रिसेशन आएगा तो उसमें वो कम काम होगा सो यूटिलाइजेशन इज़ प्रोसिक्लिकल सो द मैर सोलो रेविडल इज़ मोर प्रोसिक्लिकल दैन इज़ द ट्रू प्रोडक्टिविटी टर्म यानी इस यूटिलाइजेशन रेट की प्रोसिक्लिकलिटी जो है इसकी वजह से ये जो प्रोसिक्लिकल था वो ज़्यादा प्रोसिक्लिकल हो जाता है प्रोडक्टिविटी अच्छा ये यूटिलाइजेशन रेट ये क्यों प्रोसिक्लिकल है इसमें एक कॉन्सेप्ट है लेबर होर्डिंग का कि जब फॉर्म्स की डिमांड कम हो जाती है और वो फिर लेबर को ले ऑफ नहीं फारग नहीं कर देते वो उसको रिटेन करते हैं क्यों रिटेन करते हैं इसलिए कि अगर वो उन्हें फारिग कर देंगे तो फिर जब दोबारा डिमांड बढ़ेगी तो उन्हें फिर उन्हें हायर करना पड़ेगा या तो वही लोग हायर करेंगे नए लोग हायर करेंगे तो ये फायरिंग और हायरिंग ये काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है फर्म जब न्यू हायरिंग करती है तो ज़ाहिर है उस पर उसका ख़र्चा आता है और फिर उनको ट्रेन करने के लिए और उनको अपने एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने के लिए तो ये बहुत सारे उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसलिए फर्म फिर वेट करती है और इवन काम ना भी हो तो भी वो लेबर को रिटेन करती है और उनको फायर नहीं करती और ये जो फिर होर्ड इसे कहते हैं लेबर होर्डिंग यानी लेबर उसकी अब ज़रूरत नहीं है उस लम्हे से लेकिन वो उसको फारग नहीं कर रही उसको होल्ड कर रही है ताकि फ्यूचर में जब ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल कर सकें तो वो जो होर्ड्ड लेबर होती है वो ज़ाहिर है उस टाइम पीरियड में अब काम तो उनके लिए होता नहीं है तो वो जस्ट उनको बिज़ी रखते हैं किसी तरह से मेंटेनेंस का काम या कुछ और इस तरह के काम जो होते हैं पेंडिंग या आ, लेस प्रोडक्टिव होते हैं वो उनको उन कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं तो ज़ाहर है वो आउटपुट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे आउटपुट कम हो रही है उस वक्त लेकिन वो कुछ ना कुछ उसको आ, इस तरह से एंगेज करते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं सो द लोअर प्रोडक्टिविटी अफोर्ड लेबर डज नॉट रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजिकल चेंज जस्ट द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन कि उस रिसेशन में अब काम नहीं था लेबर उनके पेरोल पर है ठीक है और वो काम नहीं कर रहे तो ये जो काम उसमें आउटपुट में कमी वाकई हुई इट इज़ नॉट ड्यू टू अ चेंज इन द टेक्नोलॉजी रदर इट इज ड्यू टू द चेंज इन देयर यूटिलाइजेशन रेट सो कंक्लूजन क्या है चेंजेस इन द मेड सोलो रेडिड्यूल डू नाट नेसेसरली रिफ्लेक्ट चेंज इन टेक्नोलॉजी सो टेक्नोलॉजी शॉक्स मे नॉट लीड टू पोस्ल प्रोडक्टिविटी रिसर्च एक और एंगल से वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में जब कोई चेंज आती है तो वो उसका रिसर्च ये शो करती है कि वो वो इट डज नॉट लीड टू प्रोसिक्लिकल प्रोडक्टिविटी रिसर्च शोज दैट टेक्नोलॉजी शॉक्स आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू सिक्लिकल मूवमेंट इन आउट इन आउटपुट शॉक्स टू टेक्नोलॉजी आर फॉलोड बाई अर ट्रांजिशन पीरियड इन विच रिसोर्स आर री जब टेक्नोलॉजी में कुछ फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूवमेंट होती है ठीक है तो उस इम्प्रूवमेंट की वजह से क्या होगा कि वो इमिडिएटली आउटपुट नहीं बढ़ना शुरू हो जाती एक ट्रांजिशनल पीरियड रिक्वायर्ड होता है जिसमें रिसोर्स को रीअलोकेट किया जाता है और इसी तरह से इनिशियली जब इम्प्रूवमेंट आती है तो लेस कैपिटल एंड लेबर आर नीडेड टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट और फाइनली बाद में किसी स्टेज में जाकर फिर रिसोर्सेज आर एडजस्टेड और आउटपुट में इजाफा होता है Okay, thank you very much.